दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की हम बात करने वाले हैं इंडिया की बहुत ही फेमस बहुत ही शानदार एसयूवी के बारे में, महिंद्रा बोलेरो V6 ऑप्शनल के बारे में। आज मैं इसकी सारी डिटेल्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्राइस, फीचर्स और एक्सरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसके की के बारे में बता दूँ, जिसमें आपको कुछ इस तरह की मिलेगी, जिसमें आपको लॉक अनलॉक के फीचर्स मिलेंगे और कार फाइंडर के ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे। और मैं इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट मैं नोट किया हूँ, तो वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले मैं इसके स्टेरियर के बारे में आपको बता दूँ। तो इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक आप देख रहे हैं, और ये सबसे टॉप मॉडल V6 ऑप्शनल आप देख रहे हैं। इसके नीचे V6 और V4 जैसे मॉडल आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो शानदार ग्रिल है, क्रोम फिनिश में यहाँ पर दी गई है। और यहीं इसके अंदर हॉर्न है, और ये इसकी हैलोजन हेडलाइट है। यहाँ पे आपको मिलती है कॉर्निंग लाइट, ये इसके इंडिकेटर से। यहाँ पे आपको DRS का ऑप्शन नहीं मिलता, जो कि अगर दिया होता तो वो बहुत ही अच्छा लगता। देखने में दूर से ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे DRS दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे DRS वगैरह नहीं रहते। यहाँ पे आपको डाउन साइड आपको फोग लैंप मिल जाते हैं, और ये बम्पर जो है स्टील के हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। और साइड प्रोफाइल लुक की बात करती है, इसका साइड प्रोफाइल लुक है, इसकी 4 मीटर इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर इसकी हाइट है, और काफ़ी अच्छा इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस में आपको मिल जाता है। साइड में आपको ग्राफिक मिल जाती है, Yamaha D75 की यहाँ पे ग्राफिक मिल जाएगी। ये इंडिकेटर्स हैं, ये इसके विलार्स हैं जो कि वहाँ तक दिए गए हैं इसके। और ये इसके टायर्स हैं। फ्रंट में आपको वेंटिलेटर डिस्क ब्रेक मिलेंगे, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ये व्हील कैप्स है। इसके टायर साइज़ की आपकी बात करें तो यहाँ पर आपको टायर साइज मिलती है 215 सेक्शन 75R 15 इंच के। इसमें आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं, अलॉय आप डलवा सकते हैं 35,000 ओनली। फ्रंट सस्पेंशन में सेटअप की बात करें तो इसमें आपको वाइल्ड स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं इंडिपेंडेंट सस्पेंशन के साथ, रियर में आपको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। तो ये इसका आप देख रहे हो साइड प्रोफाइल लुक, थोड़ा सा मैं दूर से व्यू दे देती हूँ इसका। बाकी मैं बोलेरो की अगर बात करूँ, बोलेरो की तो काफ़ी शानदार इसका परफॉर्मेंस है। ये इसकी रियर प्रोफाइल लुक है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेयर व्हील टायर्स दिए गए हैं। इसका जो कवर है वो अंदर रखा हुआ है, और ये इसकी टेल लाइट है जो कि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने में लगती है। और ये स्पार्किंग सेंसर यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, सेंट्रल लॉक, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, रियर स्पार्किंग सेंसर और स्पीड सेंसिंग अलर्ट, हाई स्पीड अलर्ट और इंजन न्यूबलाइजर, क्रैश सेंसर और ड्राइवर साइड एयरबैग और ABS जैसे फीचर्स इसमें आपको प्रोवाइड करती कंपनी। लेकिन सिंगल एयरबैग मिलते हैं, तो वह मैं अभी आपको आगे बताऊँगा और नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। चलिए मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में आपको बता दूं। पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूं। जो पहला नंबर है इसका लो मेंटेनेंस। दोस्तों बोलेरो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस में जानी जाती है, और पहला इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो लो मेंटेनेंस है। काफ़ी कम मेंटेनेंस में ये गाड़ी मेंटेन रहती है, इसके लिए लो मेंटेनेंस भी इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा नंबर है दोस्तों इसका 78.9% स्टील स्ट्रक्चर से बॉडी इसकी बनी है, जिसके कारण इसकी जो इसकी बॉडी है, जो इसकी मजबूती है, वो काफ़ी सॉलिड है। और तीसरा दोस्तों इसका लॉन्ग लाइफ पावरफुल Yamaha इंजन, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस और काफ़ी बढ़िया पिकअप है, काफ़ी बढ़िया शानदार इसकी लाइफ है। मल्टीपर्पज़ के लिए भी ये गाड़ी जानी जाती है। चौथा नंबर, पाँचवा है दोस्तों इसकी थोड़ी बहुत इसी में आपको ऑफ रोडिंग भी मिल जाती है, जो कि इस सेगमेंट में और कोई भी गाड़ी इस सेगमेंट में नहीं दे सकती इतने सस्ते में। और ये साथ ही साथ 7 सीटर भी रहती है। तो इसकी जो नेगेटिव पॉइंट है वो भी आपको मैं बता दूं। इसके नेगेटिव पॉइंट है पहला नंबर सेफ्टी फीचर्स, जैसे कि आपको सिंगल एयरबैग ही मिल जाते हैं। और 10 लाख की SUV में अगर आप देख रहे हो, कंपेयर कर रहे हो आप 5 लाख की SUV से, तो कहीं ज़्यादा इसके इससे फीचर्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन इसमें आपको सिंगल एयरबैग भी मिलते हैं। यहाँ पे दोस्तों दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है, जो कि इसमें आपको नहीं मिल पाते एडवांस फीचर्स है और इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें आपको अगर नहीं मिल पाते। तीसरा दोस्तों कंफर्ट लेवल, जो कि कंफर्ट लेवल इसमें आपको नहीं मिल पाता, देसी SUV है तो इसमें आपको कंफर्ट लेवल कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट में आ जाता है। और बैक सीट स्पेस यानी थर्ड रो में जो स्पेस मिलती है वो भी इसमें आपको नहीं मिल पाती, वो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। यहाँ पर जो है जो एडल्ट लोग हैं, मतलब जिसकी हाइट और थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है, वो यहाँ पे स्पेस के मामले में कम है। तो बच्चों के लिए सीट है, और ये 7 सीटर में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट मिल जाती है स्पेस, इसीलिए यहाँ पे
ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पे आपको वाइपर वाशर मिल जाता है, डिफोगर इसमें आपको नहीं मिलता किसी भी वेरिएंट में। बाकी यहाँ पे एग्जॉस्ट नट टेल पाइप है, ये फुट स्टेप है। चलते अब हम सेकंड रोम में, वहाँ पे भी आपको कुछ दिखा देते हैं, बता देते हैं। ये इसका डोर है, यहाँ पे डोर पैनल पर आपको आर्मरस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाएंगे। पहले आपको नहीं मिलते थे लेकिन अब मिल जाते हैं। ये इसका है अलाव, इसका स्पेयर व्हील का कवर। बाकी ये टूल किट्स हैं, ये इसकी सीट्स हैं। यहाँ पे आपको आर्मरस मिल जाता है, ये दो हेडरेस्ट हैं। कंफर्ट लेवल उतना नहीं, हालांकि ठीक ठाक है, बढ़िया है। ये इसके फोर स्टेप हैं ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है। मैं आपको इसको आगे से डैशबोर्ड दिखा दूँ, कुछ इस तरह का इसका डैशबोर्ड दिखता है। यहाँ पे अगर इस स्क्रीन टच अगर मिलती तो काफ़ी बढ़िया रहता, बोलेरो का मतलब एक लुक ही अलग लगता। हालांकि आप अपने से लगवा सकते हो, काफ़ी लोगों ने लगवाया भी है, फिट भी करवाया है। चलते हैं आप ड्राइवर साइड, हम देखते हैं वहाँ पे। अभी मैं इसकी एक्सरूम प्राइस, आंड्रो प्राइस भी आपको बताऊँगा, लेटेस्ट प्राइस जो अभी आई हुई है। ये इसका डोर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मतलब कि यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड डोर से देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्स मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर वगैरह अगर नहीं दिया, यहाँ पे दिया होता तो वो भी अच्छा रहता। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, मैं यहाँ पे नोट नहीं किया हूँ। ये इसके पैडल्स हैं और ये इसकी सीट्स है। सीट्स आप आगे पीछे कर सकते हो पर हाइट इसका एडजस्ट नहीं कर सकते हो आप, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है मगर नोट नहीं किया मैंने। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट हैं नेगेटिव पॉइंट 1,000,000 की एसयूवी में। बाकी ऊपर यहाँ पे लाइट दी गई है, यहाँ पे एक वायर माइक दिया गया है बातचीत करने के लिए। इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको ये FM रेडियो वाला, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला एक म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको FM रेडियो, ऑक्स USB और ब्लूटूथ मिल जाता है। बाकी AC कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं, हीटर और AC के। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का DC पॉइंट मिल जाता है आपको। ये इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन विथ रिवर्स गियर 2 कप होल्डर। बीच में भी सेंट्रल कंसोल पर भी आपको पावर विंडो मिल जाते हैं और रियर साइड डोर पर भी। ये इसके हैंड ब्रेक हैं। बाकी ये इसका डैशबोर्ड पूरा आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको मैं इसकी चाबी लगा के इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा दूँ। तो ये इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि इस तरफ MID है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इंफिनिटी डिस्प्ले, ट्रिप टाइम और डेट। यहाँ पे जैसे भी कितने किलोमीटर जा सकती है वो सब यहाँ पे दिखाएगा आपको। और डोर ओपन है क्लोज है, तो यहाँ पे ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड ये भी दिखाएगा। बाकी इस तरफ इसका आप यहाँ से सेट भी कर सकते हैं किलोमीटर ट्रिप मीटर। इस तरफ ये फ्यूल गेज दिखाएगा, ये स्पीडोमीटर डिजिटल स्पीडोमीटर दिखाएगा आपको। बाकी ये इसके दोस्तों ये AC वेंट्स हैं, यहाँ पे आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, ऑन ऑफ इसे कर सकते हैं। सिग्नल वगैरह जैसे आप न्यूट्रल करते हैं तो गाड़ी 2.7 सेकंड में ऑफ हो जाती है, और फिर क्लच प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाती है। बाकी ये सब फीचर्स हैं इसके। यहाँ पे आपको लाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे इस तरफ, और इस तरफ आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। बीच में महिंद्रा का लोगो और एयर बैग्स मिल जाएगा, ड्राइवर साइड हॉर्न है। चलते हैं इसका इंजन देख लेते हैं, द पावरफुल M-Hawk टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि एक अलग ही पिकअप है इसका, तो मैं आपको दिखा दूँगा। रियल इंजन की पावर क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें आपको 3 सिलेंडर मिलता है, 1.5 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज, द पावरफुल M-Hawk टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 75 हॉर्स पावर जनरेट करता है 210 न्यूटन मीटर टॉर्क पर, क्लेम करती है 21 का। लेकिन मैं इसका फिजिकल माइलेज निकाला हूँ बिना विदाउट सर्विस की, तो वो आप वीडियो देख सकते हो, वो मतलब कि 11 का माइलेज है SUV निकाली है बिना विदाउट सर्विस की। तो आप सोच सकते हो कि विदाउट सर्विस की 11 का माइलेज दे रही है, वो भी AC के साथ में, कोई पैसेंजर वगैरह कुछ भी नहीं बैठा था। तो मैंने निकालना था, वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या तो आई बटन पे उसको लिंक मिल जाएगा। और बाकी आप इसकी एक्सरूम प्राइस की बात करें तो ये SUV अभी थोड़ी बहुत पैसे इसकी महंगी हो गई है, ये 20,000 रुपये। अभी इसकी एक्सरूम प्राइस है 9,10,000 रुपये और इसकी ऑन रोड प्राइस है 10,70,000 रुपये। ये स्टेट के आधार पर इसकी प्राइस में भी डिफरेंस हो सकता है, तो आप अपने नीरज शोरूम विजिट कर लीजिएगा इसके प्राइस के लिए। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए नमस्कार।